राइजिंग ओएस का जो नया अपडेट है उसके साथ जो है लॉक स्क्रीन यूआई जो है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ जो है विजेट्स को ऐड किया गया है, इवन जो क्लॉक स्टाइल है उसके साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है, काफी बढ़िया है। यहाँ पर इस वीडियो में राइजिंग ओएस 3.0 का जो फुल रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले है, परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप, बेंचमार्किंग सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक देखना एंड लाइक एंड शेयर कर सकते हो। यहाँ पर हमने पोको F1 डिवाइस के ऊपर ऑफिशियल राइजिंग ओएस का जो अपडेट है इंस्टॉल किया है। यहाँ पर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड 14 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। May 2024 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा। एनीवे यहाँ पर यूआई जो है काफी स्मूथ है एंड काफी स्टेबल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, कोई भी लैग हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। एंड कुछ इस तरह से क्विक सेटिंग्स पैनल देखने को मिलेगा, लाइट थीम एंड डार्क मोड दोनों के साथ ही जो है यहाँ पर क्विक सेटिंग्स अवेलेबल है। यहाँ पर होम स्क्रीन की अगर बात करें कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा एंड ऐप ड्रॉयर के साथ कुछ इस तरह से यूआई है। यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है, लॉक स्क्रीन थीम, नोटिफिकेशन, साउंड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ जो है विजेट्स का जो फीचर्स है ऐड किया गया है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन में आप डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने ये जो क्लॉक स्टाइल है सिलेक्ट किया है। इसके अलावा यहाँ पर बैटरी परसेंटेज, वॉल्यूम एंड फ्री रैम है। प्लस यहाँ से आप जो डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से जो है कैलकुलेटर, टॉर्च, टाइमर, वाईफाई, ब्लूटूथ ये सभी को आप जो एनेबल और डिसेबल कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लॉक स्क्रीन विजेट्स को एनेबल किया है, उसके बाद जो है यहाँ से आप जो है कस्टमाइज कर पाओगे, अलग अलग विजेट्स को यहाँ से कस्टमाइज करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर जो डेप्थ वॉलपेपर है इसे भी ऐड किया गया है, इसे भी यूज कर सकते हो। एंड बैटरी इन्फो का ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन यहाँ पर लॉक स्क्रीन में वेदर को ऐड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन, फिंगरप्रिंट एरर वाइब्रेशन का ऑप्शन है, रैपिड एनिमेशन का जो फीचर से ऐड किया गया है, इवन लॉक स्क्रीन से पावर मेनू को डिसेबल करने का ऑप्शन है। यहाँ पर थीम्स के साथ जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट को सिलेक्ट कर पाओगे, आइकॉन पैक, मॉनिटर सेटिंग्स का ऑप्शन है, नेविगेशन बार स्टाइल, क्विक सेटिंग्स स्टाइल, इवन जो सेटिंग्स मेनू का जो यूआई है उसे भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन है। यहाँ पर सिग्नल आइकन स्टाइल, स्टेटस बार, यूआई स्टाइल, इवन जो वॉल्यूम पैनल स्टाइल उसे भी आप यहाँ से कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर आइकॉन स्टाइल को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, चार्जिंग एनिमेशन, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन का जो फीचर से ऐड किया गया है। प्लस पावर मेनू के साथ जो है यहाँ पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, रिकवरी, बूट लोडर एंड सिस्टम यूआई को रिबूट कर सकते हो। यहाँ पर पावर बटन के साथ कॉल को बंद कर सकते हो, फ्लैशलाइट को एनेबल करने का ऑप्शन है, प्लस वॉल्यूम बटन के साथ डिवाइस को पिकअप कर सकते हो, कॉल को आंसर कर सकते हो, प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। यहाँ पर इस रोम के साथ जो है डायनामिक आइलैंड नोटिफिकेशन का जो फीचर से ऐड किया गया है, नाउ प्लेइंग के साथ भी ये जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। एंड साउंड के साथ ये सभी ऑप्शन है, वॉल्यूम स्टेप कस्टमाइजेशन का जो फीचर से ऐड किया गया है, एडेप्टिव प्लेबैक का जो फीचर से काम कर जाएगा, प्लस स्क्रीनशॉट साउंड को डिसेबल कर सकते हो, वॉल्यूम पैनल को लेफ्ट साइड में शो कर सकते हो, पार ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है। यहाँ पर इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शन के ऊपर वाइब्रेटन कनेक्ट, वाइब्रेटन कॉल वेटिंग, वाइब्रेटन डिस्कनेक्ट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। बात कर लेते हैं पर परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 1957 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है पोको F1 डिवाइस के ऊपर। गिगबेंच 6.3.0 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 545 एंड मल्टी कोर के साथ जो है 1875 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। एवरेज स्कोर की अगर बात करें तो यहाँ पर सिंगल कोर का जो स्कोर है एवरेज से ज्यादा है एंड मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से ज्यादा देखने को मिल गया है, तो यहाँ पर काफी बढ़िया स्कोर देखने को मिलता है। गिगबेंच 5 का जो टेस्ट है हमने यहाँ पर रन किया था बट एप्लीकेशन जो पर क्रैश कर जा रहा है। एनीवे यहाँ पर ओवरऑल को जिस तरह से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस सच में काफी बढ़िया देखने को मिलता है। यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ भी वॉल्यूम परसेंटेज को ऐड किया गया है। यहाँ पर
ऐप ओपनिंग एनिमेशन, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन जो है काफ़ी सही देखने को मिलता है। यहाँ पर MIUI कैमरा को भी ऐड किया गया है। यहाँ पर HDR, AI, डायनेमिक शॉट्स का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, AI कैमरा का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर नाइट मोड, पैरोनोमा, ब्लॉक, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, ऐसे भी ऑप्शन है। वीडियो रिकॉर्डिंग एंड प्रोमोट को ऐड किया गया है। ऐसे आप जो है 4K 60 FPS के साथ भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। जिस नोटिस करोगे यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, शायद इस MIUI कैमरे के साथ जो है पोर्ट्रेट मोड काम नहीं कर रहा है। बाकी यहाँ पर कैमरा टेप के साथ जो है फुल का सपोर्ट है, GCam काम कर जाएगा। आप यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो है गूगल कैमरा को यूज करके आप जो है पोर्ट्रेट मोड के साथ भी काफी बढ़िया फोटोज को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर हमने इस रोम को यूज किया है एंड काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, ज्यादा लैग हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। FM रेडियो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, सिंपली यहाँ पर हेडफोन को कनेक्ट करके आप जो है FM रेडियो को भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। Gemini AI भी काम कर जाएगा एंड यहाँ पर प्ले स्टोर भी अवेलेबल है, अलग से इंस्टॉल नहीं करना होगा। बाकी कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, हॉटस्पॉट एंड यहाँ पर वाईफाई को आप एक साथ यूज कर सकते हो। एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन है, ऑन द गो का जो फीचर्स है यहाँ पर काम कर जाएगा। स्मार्ट पिक्सल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है जो कि शायद काम ना करे। बाकी एडवांस रिबूट का ऑप्शन है, डिस्प्ले के साथ जो है डार्क मोड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर पिच ब्लैक थीम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा जो कि काफी सही है एंड यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ भी डायनेमिक क्लॉक का ऑप्शन है, नाउ प्लेइंग का ऑप्शन है, वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, डबल टैप टू वेकअप, लाइव डिस्प्ले, नाइट लाइट का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम करेगा। साउंड एंड वाइब्रेशन के साथ जो है नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन है। इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सिम 1, सिम 2 के लिए अलग अलग रिंगटोन को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर नाउ प्लेइंग, वाइब्रेशन हैप्टिक का जो फीचर्स है ऐड किया गया है। पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल के साथ साथ जो है स्क्रीन लॉकिंग साउंड को भी डिसेबल करने का ऑप्शन है। यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा एंड यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काफ़ी फास्ट है, बहुत ही फास्ट डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। अगर बात करें पर फेस अनलॉक के बारे में तो यहाँ पर फेस अनलॉक भी यहाँ पर काम कर रहा है, काफ़ी फास्ट है। तो यहाँ पर IR फेस अनलॉक का जो फीचर्स यहाँ पर ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर लोकेशन के साथ भी कोई भी इशू नहीं है एंड यहाँ पर सिस्टम अपडेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर MI साउंड एनहाइजर, थर्मल प्रोफाइल, क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, प्लस क्विक ओपन कैमरा, नेविगेशन मोड, 100 मोड, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का जो फीचर्स है ऐड किया गया है। तो डेफिनेटली पोको F1 डिवाइस के ऊपर राइजिंग OS 3.0 का जो अपडेट है ट्राई करके देखो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।